आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजिज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियोस एक्सपोज कर रहा हूं और उसका झूठ और दजल आप तक पहुंचा रहा हूं। इसी सिलसिले में मैं आपको पहले भी बता चुका हुआ हूँ कि बुग़्ज़े सहाबा के अंदर मिर्ज़ा जेलमी जो है वो इस कदर आगे निकल चुका हुआ है कि उसको जब सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का बुग्स बयान करना होता है तो वो ज़यीफ़ हदीस को भी सही कर देता है, और जब उनकी शान बतानी होती है तो जो सही हदीस होती है उसको भी ज़यीफ़ बना देता है। और इस तरह की मल्टीपल जो मसाले हैं मैं आपको बता चुका हुआ हूँ, दिखा चुका हुआ हूँ, और ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तक मेरी 100 वीडियो के करीब जो हैं वो मिर्ज़ा के झूठ और दजल से भरी हुई वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। ये जो वीडियो मेरे साथ बफर हो रही है, इंशाल्लाह मैं अभी इसको चलाता हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस इंसान का जो सबसे बड़ा फॉल्ट है ना, वो है मुनाफ़कत। यानी कि ये इंसान कभी भी अपनी कही हुई बात पर पूरा नहीं उतरता, बल्कि इसके बारे में तो शेर है ना कि जो इसका ही शेर है, लेकिन इसी के लिए मैं दोबारा पलटा रहा हूँ कि ऐ मुसलमान कर ले इस बात पे गौर, मिर्ज़ा का पहला बयान और दूसरा बयान और। आइए पहले ये वीडियो देखिए। अगर कोई शिया और राफजी मिंबरे रसूल पे ये बात करना शुरू कर दे कि भाइयों क्या पिद्दी का शोरबा, हम 1400 साल बाद सहाबा इकराम अली रिदवान के बारे में जो बकवास करते हैं हमें अपनी जुबानें बंद करनी चाहिए। हम कौन होते हैं सहाबा इकराम के बारे में इस तरह की ऊट पटांग बातें करने वाले? हमें अपने माँ बाप की, अपने घर वालों की फिक्र करनी चाहिए, अपने रिश्तेदारों की, कि हम सहाबा इकराम पर फतवे लगा रहे हैं कि वो सारे के सारे बेईमान हो गए थे, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो जब ये मिंबर से बात करेगा उसकी फेंटी लगेगी, कौन सुनेगा? हाँ, जो किसी मकदम फिक्र को प्रेजेंट नहीं करता होगा वो तो कुरान पाक से और सुन्नत से सही बात जो है हक बात लोगों तक पहुंचा देगा। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। Few moments later. वो अहले सिफीन कब्रों से निकला है ना, और वो आके कहे हदीसें मार बयान ना करो, और उन निकलने वालों में हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, और मुगीरा इब्ने शोबा रजी अल्लाह अन्हु मजमईन ही क्यों ना हो, तो हम उन्हें कहेंगे ना सर रुको जरा, सबर करो, हमने तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ा, हमने कलमा उसका पढ़ा है जिसकी कब्र मदीने में है। बस तो तुहाडे मौलवी ने वी लॉग सानू की तंग करनगे, तुसी जिन्हां दा दिफा कर रहे हो भी बाहर निकलना सी, उन्होंने भी नहीं गल मननी। और इससे बढ़कर हम उन्हें साथ ये भी कहेंगे कि हजरत हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके जमाने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंत लेते मौला अली के हक में, और आपकी किस्मत अच्छी है कि आप हमसे बच गए, लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोल। जैसा कि आपने वीडियो देख ली, आपको अंदाज़ा हो गया कि अंदाज़ा करें कि पहले ये सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के बारे में किस तरह कह रहा है, शियाओं को मुखातिब कर रहा है, और किस तरह कह रहा है कि जी हम कौन होते हैं, हम सहाबा के बारे में ये बात करें, ठीक है फलां फलां जो भी इसने बातें की। उसके बाद में ये क्या कह रहा है कि नाउज़ बिल्ला माज़ुल्ला, यानी कि सफ़ैन के लोग अगर कब्र से निकल आए तो हम उनसे बकायदा पूछें, हम उनसे यानी कि एंड में इसने यहाँ तक कह दिया हम तलवार उठा लें उनके सामने। तो अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्ला, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्ला, ये कहता है पिद्दी ना पिद्दी का शोरवा, तू क्या है मिर्ज़ा, ना तू पिद्दी ना पिद्दी का शोरवा, तू किस तरह की बातें कर रहा है, अक्ल घास चरने चली गई, तू तू सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के बारे में बातें कर रहा है। यार आप लोगों को जरा बराबर भी कुछ देर के लिए भी आप लोगों के अंदर जमीर नहीं जागता कि ये इंसान किस तरह आपसे खेल रहा? खुदारा इस तजाली फितने से बचें, खुदारा इस तजाली फितने से बचें, अपना ईमान बचाएं। क्या मुंह दिखाएंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उनके सहाबा के खिलाफ एक इंसान इस तरह बोलता है, बोलता रहा, और आप जो है उसको रोक भी ना सके। अल्लाह अज़्ज़ोजल हम सबको इस तजाली फितने से महफूज रखे। वाखरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।